आपका इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, आज शाम 8 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रात 8 बजे का वक्त अब बस निकलकर सामने आ रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल किए जाने, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी, ये 3 लोग हैं जो कि आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। सीएम शिवराज के भोपाल लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इस बारे में भी जानकारी है। राजभवन में तैयारियां पूरी रखने के निर्देश जारी हो चुके हैं। संभावित मंत्रियों के घर समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड, इन 3 क्षेत्रों को साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश सरकार जिसके लिए बहुत लंबे समय से इस पर अटकलें सामने आ रही थी, खबरें थी, इससे पहले ये माना जा रहा था कि नामों पर संशय लगातार चल रहा है, लेकिन अब कुल मिलाकर 3 नाम निकलकर सामने आए हैं। आज रात 8 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल होंगे, संभवतः राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी, ये 3 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अटकलें इसलिए तेज होती हुई भी क्योंकि राजभवन में तैयारियां पूरी रखने के निर्देश हैं, सीएम के लौटते ही शपथ ग्रहण समारोह, और साथ ही साथ इन अटकलों के बीच, इन खबरों के बीच, इन 3 नेताओं के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस, बीजेपी का विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कवायद। आप कह सकते हैं कि चुनाव से 40 दिन पहले कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर रूठों को मनाने की यह कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है। हालांकि हमेशा ही विशेषाधिकार रहा है मुख्यमंत्री का कैबिनेट विस्तार को लेकर, हालांकि काफी देर भी लगी, इससे पहले बहुत पहले ही खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन संशय की स्थिति थी। 4 नामों को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब 3 नामों पर मुहर लगी है। 3 नए कैबिनेट मंत्री आज रात 8 बजे शपथ ले सकते हैं। राजभवन में कार्यक्रम होगा, तैयारियां पूरी करने के निर्देश हैं। जबलपुर दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री और जैसे ही वापस लौटेंगे रात में 8 बजे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरों की पुष्टि होगी और शपथ लेते हुए 3 ही नेता आज नजर आने वाले हैं। सही है, शैलेंद्र चौहान इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, पुख्ता जानकारी क्या कुछ सामने आई है ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिल्कुल लगभग अब तस्वीर साफ है कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार शाम को 8 बजे होना लगभग तय हो चुका है। और बड़ा अपडेट ये है कि विधायकों को अब सूचना पहुंचने लगी है, उन्हें सूचना पहुंच चुकी है कि वे शाम को 7 बजे राजभवन पहुंचे। तो जो 3 ही विधायक है इन्हें सूचना पहुंच चुकी है और ये 3 विधायक शाम को शपथ लेंगे, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और लोधी। इन 3 को, राहुल लोधी, 3 को फोन हो चुके हैं, 3 को शपथ के लिए कह दिया गया है कि आपको राजभवन पहुंचना है। तो एक ये बड़ा अपडेट है। और इसके अलावा अब ये भी तस्वीर लगभग साफ है कि 3 ही विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को करीब 7 बजे भोपाल पहुंचेंगे और उसके 1 घंटे बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। ठीक है, तमाम ऐसे समीकरण भी शैलेंद्र जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है, विंध्य का नाम लगातार, महाकौशल का नाम भी लगातार, बुंदेलखंड का भी नाम लगातार लिया जा रहा है, इन क्षेत्रों को साधने की कवायद में पार्टी। बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण ये दोनों को ध्यान रखकर ही पूरा ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्योंकि अब चुनाव में करीब 3 महीने ही बचे हैं और 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो इन मंत्रियों को सिर्फ 1 महीने, 1.25 महीने के करीब ही काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ बात साफ है कि इन ये जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण संतुलन के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें विंध्य को साधा जाएगा, राजेंद्र शुक्ला शपथ लेंगे, तो महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन एक कद्दावर नेता है तो उनको शपथ दिलाई जा रही है, और बुंदेलखंड भी एक काफी समय से क्योंकि लोधी समाज का 9% वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, तो लोधी समाज मध्य प्रदेश की 40-45 ऐसी सीट है जिनपे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालता है, और लोधी समाज के साथ सबसे बड़ा अहम यह है कि वहाँ एकजुटता होती है, तो वो उस कारण लोधी समाज से एक मंत्री बनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं राहुल लोधी,
मोदी, तो कहीं ना कहीं इससे उमा भारती को भी संतुष्ट किया जा रहा है कि उनके भतीजे को, क्योंकि पहली बार के विधायक है और उन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ट्रेंड ये बनता जा रहा है, चुनाव से ठीक पहले इस तरह से शपथ दिलाई जाती है। हालांकि ये बात जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि चुनावी साल है और उसी के चलते ये सब होना, लेकिन बीजेपी के अगर हम बात करते हैं आंतरिक मसलों को लेकर कहीं ना कहीं खबरें जरूर होंगी, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाए, ऐसी स्थिति भी होती है। शैलेंद्र बिल्कुल देखिए, जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट 3 दिन पहले शुरू हुई थी, सीएम राज्यपाल से मिले थे, उसके बाद पिछले 2 दिन से जो पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं, जो विधायक हैं, जैसे कि अजय बिश्नोई है, उनकी नाराजगी सामने आई थी। वो लंबे समय से वो भी इंतजार में थे वो कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से ये कहा भी कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार का महत्व क्या है, 1 महीने के लिए क्यों मंत्री बनाया जा रहा है और इसका मतलब नहीं है। तो आंतरिक कलह भाजपा की स्पष्ट तौर पर सामने आई है। इसके अलावा मालवा के कद्दावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इसको लेकर एतराज जताया था कि अब 1.25 महीना बचा है, हम मंत्रिमंडल विस्तार क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में संगठन स्तर पर तो ये बात उठी है, लेकिन आखिर में इस पर यही निष्कर्ष निकला केंद्रीय नेतृत्व ने जो हरी झंडी दी कि जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के लिए, समीकरणों के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वहां से हरी झंडी देकर इसे आगे बढ़ाया गया है। चलिए, फिर भी रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। पाक के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़, ग्रीस अथॉरिटी ने नापाक साजिश की फेंक। पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत का खुलासा, न्यूज 18 को मिली बड़ी जानकारी, भारत विरोधी कामकाज पर राजनायकों का अप्रेजल। जबलपुर में सीएम शिवराज का रोड शो, कटंगी में जनसभा को किया संबोधित, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान कर दिया। आज शाम 8 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे होंगे शामिल, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी लेंगे शपथ। सीएम शिवराज के भोपाल लौटने के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, राजभवन में तैयारियां पूरी, संभावित मंत्रियों के घर समर्थकों का जमावड़ा। संभावित तीनों मंत्रियों के घर समर्थकों का लगा जमावड़ा, मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस, विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कवायद। इंदौर में पूर्व बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में विरोध के उठे स्वर। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर, 39 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन, 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन। इंदौर में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद, 1200 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट मिले, क्राइम ब्रांच ने 2 को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सीहोर में रेलवे ट्रैक पर मजदूर की मौत, रेल लाइन निर्माण के दौरान हादसा, 1 मजदूर को कराया गया भर्ती। पांडुर्णा को जिला बनाने के ऐलान पर सियासत तेज, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, चुनाव आते ही सब बनता है। कटनी में जनमत संग्रह की मतगणना, विधायक संजय पाठक ने कराया जनमत संग्रह, 180 गांव के 1,65,000 लोगों ने की वोटिंग, जनता का मन जानने के लिए हुआ जनमत संग्रह। ग्वालियर में सिंधिया ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगाई, सिंधिया ट्रस्ट के मुआवजा मामले पर मध्य प्रदेश शासन की अपील पर सुनवाई पर लगी रोक। चुनाव से पहले एमपी की सियासत में सेक्स टेप से आया भूचाल, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का कथित अश्लील वीडियो वायरल, विधायक ने बताया फर्जी, बीजेपी बोली अब तक क्यों चुप रहे। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार, लूट चोरी और डकैती करने आते थे आरोपी, कार के नंबर के जरिए पुलिस ने दबोचा। रतलाम में भगवा ध्वज लहराने की मांग, एक पक्ष पताका लगाने के खिलाफ, दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी। ग्वालियर में लापरवाह अस्पतालों को नोटिस, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई, प्रदूषण बोर्ड ने अंचल के 13 अस्पतालों को नोटिस जारी किया, बायोवेस्ट का डिस्पोजल ठीक तरह से नहीं होने पर कार्रवाई। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार, खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप, लूट चोरी और डकैती जैसी वारदातों में शामिल।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुटकों को पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। कार नंबर के आधार पर हुई गिरफ्तारी। पांचों बदमाशों ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में की थी चोरियां। इंदौर पुलिस ने बड़वानी, सेंधवा और दाहौद से किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हथियारों की करता था सप्लाई। दो साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने 18 पिस्टल और कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। धमतरी के करैहा के आदिवासी बॉयज हॉस्टल में फैला फ्लू। 56 में से 39 बच्चों की आंखों में संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के बाद दी आई ड्रॉप और दवाएं। सूरजपुर में 5 महिला समेत 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गांव में स्थित ढाबा हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, झड़प। दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज। राजनांदगांव में घर में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला। डायरिया की चपेट में बिलासपुर। गुटकू में मिले डायरिया के 22 मरीज। गंदा पानी पीने से लोग हो रहे बीमार। नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा। बिलासपुर में हाईवा और माजदा में जबरदस्त टक्कर। घटना में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत। मस्तूरी के लवर मुख्य मार्ग की घटना। दुर्ग में जारी है डेंगू का कहर। भिलाई में फिर मिले 6 नए मरीज। नगर निगम प्रशासन ने साफ सफाई पर नहीं दिया ध्यान। अंबिकापुर में घटौन में हाथियों के पहुंचने से दहशत। फसलों को पहुंचाया नुकसान। जान जोखिम में डालकर हाथियों के करीब जा रहे लोग। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से की मुलाकात। चुनाव समेत देश और प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बात। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी। 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार के पास स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने का समय नहीं। सीएम कर रहे दिल्ली का दौरा। स्वास्थ्य कर्मियों से नहीं कर रहे चर्चा। दुर्ग में जारी है डेंगू का कहर। भिलाई में फिर मिले 6 नए मरीज। नगर निगम प्रशासन ने साफ सफाई पर नहीं दिया ध्यान। कांकेर में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। कोरबा में उधार का पैसा मांगना पड़ा भारी। युवक की पीट पीट कर हत्या। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। जगदलपुर में कबाड़ बनी सिटी बस। नगर निगम की लापरवाही से बंद हुई सिटी बस सर्विस। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर इस बैठक में मौजूद हैं। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंथन लगातार चल रहा है। बैठक में समिति के सभी सदस्य पहुंचे हैं। घोषणा पत्र बनाने को लेकर पहली चर्चा इस कमेटी की। शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मैनिफेस्टो को लेकर कुल मिलाकर चर्चा और पहली ही बैठक इस समिति की है। अध्यक्षता इस बार मोहम्मद अकबर करते हुए। तो चुनाव में घोषणा पत्र क्या कुछ कहेगा, कौन कौन से मुख्य बिंदु शामिल किए जाने हैं, कुल मिलाकर इसीलिए समिति का गठन और समिति की पहली बैठक। अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अकबर अलग अलग नेताओं से चर्चा करें। और सतना से एक जानकारी सामने आ रही है। सतना का जवान शहीद हो गया है। लेह लद्दाख की पूरी घटना है। गश्त के दौरान वाहन खाई में जा गिरा। 6 दिन पहले की ये पूरी घटना है। 9 जवान इसमें शहीद हो गए थे। जवान विवेक भी घायलों में शामिल था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। देर रात पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, लेकिन सतना के लिए ये एक दुखद जानकारी। सतना का बेटा शहीद हो गया। लेह लद्दाख की पूरी घटना बीते दिनों जानकारी सामने आई थी। वाहन खाई में जा गिरा था। 6 दिन पहले की पूरी घटना जिसमें कुछ घायलों को भर्ती करवाया गया था, उनमें से एक जवान विवेक भी था। इलाजरत रहते हुए जान जाना अभी तक सामने आया है। देर रात तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूट गई। हजारों गैलन पानी यहां पर बह चुका है। टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन फूटी। योजना का काम 5 साल से अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, लाखों गैलन पानी बर्बाद हो चुका है।
बुरहानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल आवर्धन योजना पाइपलाइन फूट चुकी है, ये माना जा रहा था कि योजना का काम को तलाशने के लिए और यहीं पर जायजा लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे, टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस टेस्टिंग के दौरान ही पाइपलाइन फूट गई। ये बताया गया कि योजना का काम 5 साल में अभी भी पूरा नहीं हो सका है और उसके बाद लगातार लापरवाही भरी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, काफी सारा पानी बर्बाद हो चुका है। जल आवर्धन योजना जिसके तहत यहां पर पाइपलाइन डाली गई, टेस्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान पाइपलाइन फूट गई और पानी बर्बाद हो गया और 5 साल का लंबा वक्त जल आवर्धन योजना पहुंची थी 5 साल पहले, लेकिन अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई है जिले में। सहयोगी गणेश कुमार हमें ज्यादा जानकारी देंगे। गणेश, क्या है पूरा मामला? जी, ये जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन जो है बुरहानपुर की उतावली नदी क्षेत्र में फूट गई है। इससे पहले भी कई बार पाइपलाइन फूटने की बात सामने आई है। पाइपलाइन जैसे ही फूटी वैसे एक नजारा सामने दिखाई दिया झरने की तरह। इसमें जिम्मेदारों पर जो है वो सवालिया निशान उठ रहे। इसके पूर्व कई बार पाइपलाइन फूटी, वर्ष 2018 से ये काम चल रहा है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो है लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको गणेश जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, लापरवाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल आवर्धन योजना 5 साल पहले आई, लेकिन अभी तक ठीक तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। और दिल्ली से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सितंबर में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन 4 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। इससे पहले ये अंदाजा था कि 6 सितंबर तक लिस्ट जारी हो सकती है और अब कहीं ना कहीं ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सितंबर के महीने में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, पहली लिस्ट जारी होगी। कुछ उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की तरफ से 4 सितंबर का रायपुर दौरा, उससे लेकर जानकारी दी गई और अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही वो रायपुर पहुंचेंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा उनकी तरफ से हो सकती है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी डेट को लेकर नहीं है। हालांकि ये तय है कि सितंबर के महीने में ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तो ये ट्रेंड आप देख रहे हैं जिसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही लिस्ट जारी करना सामने आ रहा है। सहयोगी रवि सिसोदिया हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, क्या कुछ अभी तक जानकारी लग पाई है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जिस तरह से रणनीति कांग्रेस ने बदली थी हिमाचल, इससे पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कुछ उसी तरह की रणनीति कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी अपनाने वाली है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वहां उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। और जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पे 4 तारीख को जिस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है उनका रायपुर का दौरा होगा और सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में वहां के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। यही कमोबेश राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में उम्मीदवारों की सूची या पहले उम्मीदवारों की सूची जो है वो सितंबर में जारी होने की संभावना है और यहाँ बताया जाए कि सितंबर में जारी करेंगे ताकि उम्मीदवारों के पास पर्याप्त समय रहे अपने कैंपेन करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ सरकार है छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार है, तो ऐसे में जो सरकार की नीतियां हैं, जो भूपेश बघेल की सरकार की नीतियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है, तैयारियां हैं कि सितंबर में ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सके। और कांग्रेस की तरफ से जो इनके आलाकमान जैसे तो उन्होंने देखा था कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और उस एक्सपेरिमेंट के परिणाम भी इनको दिखे थे, क्योंकि हिमाचल में चुनाव से पहले, चुनाव के ऐलान की तारीखों से पहले वहां की घोषणा की गई थी उम्मीदवारों के, तो वहां भी जीत मिली। कर्नाटक में भी कमोबेश यही देखने को मिला था, पहले जो लिस्ट जारी की गई थी 100 उम्मीदवारों की, वहां भी कांग्रेस सरकार बनी। तो ऐसे में कोशिश और एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही, सूत्र ऐसा बता रहे कि सितंबर में छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।